अलैकुम यार, मेरे को खास जाने का सीन बनेगा एक दो दिन में। तो मेरे को खास जाने से पहले ही ये व्लॉग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को खास मैं एक दावत पे गया था और उसकी वीडियो पहले आ चुकी है मेरे चैनल पे। और उसमें मैंने कहा था कि मैं हैदराबाद से मेरे को खास का जो सफ़र मेरा रहा उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो उसी एक्सपीरियंस के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र था मेरा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र और चलते हैं फिर मेरपुर खास। रास्ते में बहुत सारी जगहें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हैदराबाद से एग्ज़िट होते हुए आला नाके से आगे ये फ्लाईओवर आता है और लेफ़्ट पे मेरपुर खास के लिए रास्ता जाता है। तो लेफ़्ट टर्न के बाद आप हैदराबाद मेरपुर खास हाईवे पे आ जाते हैं। और ये टोल प्लाज़ा जहाँ पे पैसे दे के डंडा ऊपर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट खुला था जो अब फ्लॉप हो चुका है तकरीबन। इसका नाम है गुलमोहर। और ये कोई रास्ता बन रहा है या कोई बाईपास बन रहा है। तो जी अभी पहुँचे टंडो जाम सिटी में। सिटी से बाहर निकलते ही टंडो जाम की बहुत फेमस और बड़ी यूनिवर्सिटी आ जाती है। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बहुत सारी ऐसी डिग्रीज होती हैं जो कि मेनली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती, लाइक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पे और डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, मतलब कि जानवरों के डॉक्टर। उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड सारी डिग्रीज होती हैं। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम। और ये लेफ्ट पे यहाँ के एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है। यूनिवर्सिटी वैसे अंदर बहुत बड़ी है और स्पोर्ट्स के भी यहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं। टंडो जाम के बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट एक और आता है, सुपर मदीना रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना वैसे अच्छा है, हमने पहले बहुत दफ़ा खाया है। तो जी अभी इंटर हो रहे हैं टंडोलायर सिटी में। यहाँ पे मेरे बचपन के दोस्त का हॉस्पिटल है, अम्मा करीमा हॉस्पिटल, और उसके साइड में उनका ट्रैक्टर का शोरूम है। लेफ्ट पे सिविल हॉस्पिटल टंडोलायर है। ये लम्स यूनिवर्सिटी का डायग्नोस्टिक लैब खुला है कुछ महीने पहले। और ये जीजल फलाई हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेरे अब्बू हर संडे को आते हैं, पेशेंट्स देखते हैं ऑर्थोपेडिक के। और ये है टंडोलायर का सिटी। टंडोलायर से बाहर निकलते ही नसीरवा आता है, यहाँ से शाख निकलती है नागना शाख जो कि हमारे गांव में जाती है और वहां से हमारे गांव के खेतों में पानी आता है। टंडोलायर से आगे और मिर्पखा से पहले एक स्टॉप आता है सुल्तानाबाद, वहां से राइट पे हमारे गांव के लिए रास्ता निकलता है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है।
हुआ कहलाता है चमड़ाव कैनाल। ये मीरपुरखास से पहले आता है। और अभी जो आपने गाना सुना वो मेरे अब्बू गा रहे थे। वो जब भी इंजॉय करते हैं सफ़र के दौरान तो गाते हैं अब्बू आई लव यू। अल्लाह आपको खुश रखे और लंबी उम्र दे। और ये मीरपुर खास टूल प्लाजा आ गया है। मीरपुर खास में एंटर होते ही एक मेडिकल कॉलेज आता है जिसका नाम है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे मिर्ची 360 है। इनकी ब्रांच 2-2.5 साल पहले यहाँ पे ओपन हुई थी। मिर्ची 360 तो छोड़ो, एफएल टावर की ब्रांच भी यहाँ पे खुल गई है। ये शायद नया कोई रेजिडेंसी प्रोजेक्ट है। और ये हम पहुंचे जहाँ पे दावत थी, उसकी वीडियो पहले ही आ चुकी है चैनल पे। दावत के बाद अब्बू का दिल कर रहा था कि वो अपने स्कूल को देखें जहाँ पे वो पढ़े थे। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और मीरपुर खास के गामा स्टेडियम के पीछे ये स्कूल है। और ये मीरपुर खास की स्टेट लाइफ बिल्डिंग। इससे आगे अब मेन मार्केट शुरू होने वाली है। स्टाइलो भी है मीरपुर खास में। और ये अच्छी बात है कि बड़े ब्रांड्स छोटे शहरों में भी आ रहे हैं। 51% सेल भी लगी हुई थी। तो अभी पहुँचे हैं मेन मार्केट में। और यहाँ पे राइट पे बल्दिया मार्केट है, मोबाइल मार्केट। और यहाँ पे अभी जो आप रश देख रहे हैं ये उस टाइम की बात है जब ये कोरोना वायरस का सीन नहीं था। इस जगह पे दिल्ली बिरयानी है जो कि मज़ार वाली बिरयानी भी कहलाती है, बहुत अच्छी है और मीरपुर खास की मार्केट की मशहूर बिरयानी है। उसके बाद लेफ्ट पे छुट्टन चने वाला है। यहाँ के छोले चने बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत पुराना है ये। और दिल्ली बिरयानी का अलग से व्लॉग बनाया था जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे। उसके बाद आप मार्केट में रश चेक कर सकते हैं। अब आ रहा है चार मीनार चौक मेन मार्केट के एरिया के बाद अब सिविल हॉस्पिटल आती है, सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास। और काफ़ी रश से निकलने के बाद हम शहर से बाहर निकले और वहाँ पे चाय पी, बहुत अच्छी चाय थी। तो ये है वो होटल जहाँ पे हमने चाय पी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि हम मीरपुर खास से आगे कहाँ जा रहे थे। हमारे गांव से आगे एक और गांव है जहां पे भी हमारे रिश्तेदार हैं, वहां पे एक दो फातिहा करनी थी तो वहां पे गए थे। अब ये रोड जो है वो मीरपुर खास से आगे मीरवा की साइड जा रहा है और हमें मीरवा वाले साइड ही जाना था। वहां से पे आगे रास्ता टर्न करता है और जहां से वो रास्ता टर्न करता है उसी गाँव जाने के लिए जिस गाँव हम फातिहा के लिए जा रहे थे, उस स्टॉप का नाम है बेलाडो। और बेलाडो की ख़ास बात यह है कि यहाँ से हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ से थादल की शुरुआत हुई थी। अब जो लोग इंटीरियर गए हुए हैं या इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो पता है कि पता ही होगा थादल क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर लें। ये एक ऐसा शरबत है जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गर्मी का दुश्मन कहलाता है। और गर्मी में इसको पीने से बिल्कुल ठंडक मिल जाती है। आगे आपको कुछ शॉप्स दिखाऊंगा जहाँ पे ये थादल मिल रही है। लेकिन थादल के कुछ टाइप्स होते हैं, एक तो आपको बिल्कुल शीशे में बंद मिल जाती है जिस तरह रूह अफ़ज़ा की बोतलें होती हैं, और एक जो है वो मैन्युअली बनती है जो कि यहाँ पे बना के आपको देते हैं, एक गिलास में बना के देते हैं और आप पिए और फ्रेश हो जाएँ। सो लेट मी क्लियर, ओरिजिनल यही है जो यहाँ पे बना के देते हैं, मैन्युअली बना के देते हैं, और उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसका तो मज़ा ही कुछ और है।
तो जी पहुंच गए बेलाडो स्टॉप। और अब ये जो आप नहर देख रहे हैं बेलाडो शाख कहलाती है, जो कि जुमड़ाऊ वहाँ से निकलती है, या जुमड़ाऊ केनाल आप कह लें, जुमड़ाऊ केनाल से निकलती है। और इस छोटी सी नहर के साथ साथ ही साथ ड्राइव करने में बहुत बहुत इंजॉय कर रहा था मैं। ये है जुमड़ाऊ केनाल या जुमड़ाऊ हुआ, जो आपने मीरपुर खास और हैदराबाद के हाईवे पे देखा था, वो इस साइड से भी होके गुजर रहा है, वो यही वहा है, यही केनाल है। तो यहाँ तक था हमारा सफर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर था।